सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सोलो रैंक पुश कर सकते हैं। इससे पहले आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखी होगी, लेकिन ये वीडियो जरा सा हटके होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 नेक्स्ट लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप आसानी से एक दिन के अंदर में ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि टिप नंबर 5 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको सुनने के बाद आप बोलोगे मज़ा आया। तो दोस्तों बिना देरी किए हम चलते हैं अपना टिप्स नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों टिप्स नंबर 1 है लैंडिंग। तो अब मैं बता दूँ आपका कहाँ लैंडिंग करना है, ठीक है। तो जब आप गेम ओपन करोगे या फिर मैच स्टार्ट करोगे, तो मैप के ऊपर मैं आपको एक लाइन दिखाएगा, मतलब उतरने से पहले। तो आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाना है वो लाइन से, ताकि आपको कम से कम बंदे मिले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना है, और आपको दूसरा बात ये याद रखना है कि आप कोशिश करो कि आप दूर तो जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो ना वहाँ वेंडिंग मशीन हो, ठीक है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ATM मशीन भी बोलते हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे लूट मिले, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सको, और जब आपके सामने में कोई एनिमी आए तो आप उससे आसानी से फाइट कर सको, ठीक है। और साथ साथ इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि आप जो भी लूट चाहते हो, जैसे कि वेपन, बैग, वेस्ट वगैरह, यहाँ तक ग्लूवाल ग्रेनेड भी आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है जहाँ आप लैंडिंग करो दूर से दूर में लैंडिंग करो, और वहाँ पर वेंडिंग मशीन भी हो, ताकि आप टोकन्स कलेक्ट करके जो भी लूट चाहिए आपको वो आप आसानी से ले सको, अपना मनपसंद गन वगैरह भी ले सको, चाहे वो शॉर्ट रेंज का हो या फिर लॉन्ग रेंज का हो। तो दोस्तों टिप्स नंबर 2 जो है वो है डोंट रिवील योर पोजीशन। अब आप बोलोगे अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जहीं कहीं भी हो, या तो फिर आप जोन में फंसे हो, तो आप एनिमी को मत मारो, वरना ऐसे में आपका पोजीशन रिवील हो जाएगा, और उसके साथ साथ एनिमी आपको रिटर्न में आपको भी फायर कर सकता है, और ऐसे में वो कोई गारंटी नहीं आपको किल भी कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइनस लग जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको फायर नहीं करना है अगर एनिमी आपको नहीं देखा है तो। लेकिन अगर आपको एनिमी देख चुका है तो आप फाइट लो और कॉन्फिडेंस रहो कि आप उसको मार सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एनिमी आपको नहीं देखा है ना, तो आप फायर मत करो, अपना पोजीशन रिवील मत करो, ठीक है। आप वहाँ से शांत रहो या फिर वहाँ साइड से निकल लो। तो भाई अभी आप बोलोगे कि भाई अगर हम फाइट नहीं लेंगे तो बुया कैसे करेंगे, भाई हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्लस कैसे होगा? तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको फाइट लेना है एंड जोन में, ठीक है, एंड जोन में फाइट लेना है, ताकि आप बुया भी निकाल सको गेम को। अगर आप पहले ही फाइट लोगे तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि बाजी पलट जाए और आपको कोई मार के चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले पहले में फ़ाइट नहीं लेना है, और अगर एनिमी आपको देखा है तो आप फाइट लो, और मेक श्योर कि आप कवर में हो, ठीक है, वरना एनिमी आपको मार के चला जाएगा और आपका बेकार में माइनस लग जाएगा। तो दोस्तों टिप्स नंबर 3 जो है वो है जोन प्रेडिक्शन। आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपका नेक्स्ट जोन कहाँ पर बनेगा, ताकि आप वहाँ पर जाके कैंप कर सको, और मेक श्योर कि आप कहीं आसपास में कहीं अगर कार वगैरह हो, आप जीप तो बिल्कुल ही मत लेना, ना ही मॉन्स्टर ट्रक लेना, बाइक भी मत लेना, आपका जो वो लैम्बोर्गिनी है और वो जो रेसिंग कार है वो दोनों में से किसी एक को लेना, और पता लगाओ कि भाई जोन कहाँ पर बनने वाला है, और वहाँ पर जाके आप बैठे रहो, वहाँ पर कैंप करो, और मेक श्योर अगर आपके पास लैंडमाइन है ना तो लैंडमाइन भी बिछा दो, ठीक है, उसके बाद बैठ जाओ आराम से वहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको जोन प्रेडिक्ट करने नहीं आता है तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। जोन प्रेडिक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टिप्स नंबर 4 की तरफ, और टिप्स नंबर 4 जो है वो है कैंपिंग। तो दोस्तों आप अभी आप बोलोगे कि भाई हम कैंपिंग करें तो करें क्या, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको जोन प्रेडिक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा जोन प्रेडिक्शन वाला वीडियो देख लेना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको जोन प्रेडिक्ट करना है और वहाँ पर जाके आपको चुपचाप से बैठ जाना है, ठीक है। और आपके पास अगर लैंडमाइन वगैरह है तो दरवाज़ा के हर एक कोने में लगा दो, उसके बाद जाके चुपचाप से बैठे रहो, जब एनिमी आएगा लैंडमाइन से डैमेज खाएगा, उसके बाद उसको आप फायर करके ऐसे भी आराम से मार ही सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सेफ जोन कहाँ बनेगा, वहाँ जाके आपको वहाँ पर बैठ जाना है, ठीक है। अब भाई फिर बोलोगे कि भाई यार नेक्स्ट सेफ जोन कहाँ बनेगा, ये हम पता कैसे चलेगा, हम पता कैसे करें? तो भाई इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप मेरा वो जोन प्रेडिक्शन वाला वीडियो देख लेना, उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर बोलोगे मज़ा आया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपना टिप्स नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वाकई में बुया करना है तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करना। तो दोस्तों ये जो टिप है वो है डोंट टेक फाइट, आपको फाइट नहीं लेना है। अब आप फिर बोलोगे
अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरे हर एक पॉइंट, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। तो इस पॉइंट के पीछे लॉजिक है, ठीक है। और वो क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एंड जोन बनने से पहले फाइट लोगे तो फिर वहाँ पर काफ़ी सारा एनिमी अपना अपना कवर लेके बैठे हुए रहते, ठीक है। और आप वहाँ पर फाइट अटेंड करोगे तो थर्ड पार्टी में आप मारे जाओगे, ठीक है, और इससे आपका माइनस लग सकता है। इसीलिए आपको वेट, जब लास्ट के दो या तीन बंदे बचेंगे तब आपको बाहर आके फाइट करना है, ठीक है। और कोशिश करो जब लास्ट के दो बंदे, यानी कि एक तुम और तुम्हारा ओपोनेंट, यानी कि जो एनिमी बचा हुआ रहेगा वो, तब आप आसानी से गेम को बुया निकाल सकते हो, ठीक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो जोन प्रेडिक्शन का जो वीडियो है उसको देखना मत भूलना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।